हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीलम शर्मा, मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोग के लिए हाइलाइटर्स की वीडियोस लेके आई हूँ। अफोर्डेबल हाइलाइटर हैं जो आप अपने सलून में या अपने मेकअप किट में यूज़ कर सकते हैं। और सारे हाइलाइटर जो हैं वो एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है कि आप यूज़ ना कर सकें। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और गाइस, मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ शेयर ज़रूर करिएगा। गाइस, मेरी वीडियो चलनी नहीं है, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर करें। जो भी मेरी वीडियो देखते हैं वो सभी शेयर करें, तो वीडियो को ज़्यादातर लोग देखेंगे तो मेरा काम की पता चलेगा कि मेरा किस तरह का काम है। तो आइए चलते हैं कि कौन कौन सा हाइलाइटर है। ये मेरा आइकॉनिक का हाइलाइटर है, ये लिक्विड हाइलाइटर है। आप इसे यूज़ किस तरह से करोगे तो उस पर जो है आप पढ़ोगे उसके डिस्क्रिप्शन, तो हाउ टू यूज़ किस तरह से होता है वो आप देखोगे उसमें, तो किस तरह से यूज़ करना है। ये एक इल्यूमिनेटर है और आप इसे लिक्विड हाइलाइटर है और इसे आप फाउंडेशन के साथ किसी भी मेल्ट करके भी कर सकते हो, इसे यूज़ कर सकते हो। और बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। ये मेरा मियोन का हाइलाइटर है और ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मेरा तो फेवरेट वाला है ये हाइलाइटर, बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। ये लाइटनिंग का बैक्ड हाइलाइटर है, तो ये आप नाइट में यूज़ कर सकते हो, डे में यूज़ नहीं कर सकते हो। ये बैक्ड हाइलाइटर है, इसमें शाइन को ज़्यादा रहती है। ये हमारा कलर बार का हाइलाइटर है, कलर बार का पाउडर बेस में हाइलाइटर है। आप इसे टोनर में भी यूज़ कर सकते हो कि फेस पर शाइन रहे, तो टोनर में आप डाल के यूज़ कर सकते हो। ये मेरा मैबलिन का मास्टर क्रोम शेड नंबर 100, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हाइलाइटर है, गोल्डन शेड है इसका। आप कोई भी शेड ले सकते हो, सारे शेड इसमें अच्छे हैं। यह है लैकमे का हाइलाइटर। जितने भी मेरे पास हाइलाइटर हैं सारे अच्छे वाले हाइलाइटर हैं, और जो लैकमे वाला है इसका यूज़ जो है वो भी बहुत डिफरेंट है। ये इसका ऊपर जो है एक रहता है, ये आपको ऐसे ही डस्ट की तरह निकालना होता है, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, और इस तरह से ब्रश की हेल्प से लगाना होगा आपको, चिक पे इस तरह से ही निकालना है। और ये है मेरा सिस ब्यूटी का हाइलाइटर, आप इसमें कोई भी शेड ले सकते हो। और इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि साथ के साथ सारे शेड आप यूज़ कर सकते हो ब्रश की हेल्प से, कि सारे के सारे एक साथ ले सकते हो। तो देखिए गाइज, आप मैंने सबका रिव्यू आपको हैंड पे करके दिखाया है कि किस तरह के हाइलाइटर हैं। सारे हाइलाइटर बहुत ज़्यादा अच्छे वाले हैं, आप कोई भी हाइलाइटर ले सकते हो, अपनी मेकअप किट में भी ले सकते हो, आप अपनी शॉप है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। आगे मैं आपको शेड मैंने सबके बता दिए कौन कौन सा शेड है, किस तरह से यूज़ होना है, तो बहुत अच्छे हैं, आप सभी लोग ले सकते हो। ये देखिएगा, मैं निविया का सॉफ्ट मेरे पास मॉइस्चराइज़र है, मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से यूज़ करना है। आप मॉइस्चराइज़र में लेके और ये मेवलिन का मास्टर क्रोम का हाइलाइटर निकालिएगा थोड़ा सा, और मॉइस्चराइज़र में यूज़ करके भी आप अपने फेस पे यूज़ कर सकते हो, कि आप नॉर्मली कहीं जा रहे हो तो आपके फेस पे एक शाइन बनी रहेगी। देखिएगा कितनी लाइट सी शाइन बनी हुई है, तो आप इस तरह से भी अपने फेस पे यूज़ कर सकते हो। और यूज़ करोगे तो तब आपको पता चलेगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका, ऑसम रिज़ल्ट है इसका। तो आप इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो और अच्छा रिज़ल्ट है, किसी के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, गोल्डन शेड एवरीथिंग सबके ऊपर यूज़ हो जाएगा। ये मेरा मैबलिन का मैं एक आपको दिखा रही हूँ फाउंडेशन की, फाउंडेशन में भी डाल के आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। आप डेली वेज के लिए, डेली रूटीन के लिए हल्का सा फाउंडेशन लीजिए। और ये इल्यूमिनेटर है, ये आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, आइकॉनिक को जो है वो आप फाउंडेशन में यूज़ करके भी आप फेस पे यूज़ कर सकते हो, इसमें भी एक अलग ही साइन है। ये गाइस, इसके यूज़ जो हैं वो सब लिखे हुए हैं इसके उस पर, तो आप सब कुछ पढ़ के तब देखेगा कि किस तरह से यूज़ करना है। आप देखोगे इसकी साइन तो और ज़्यादा ही अच्छी वाली है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो गाइस। और मेरी वीडियोस को ज़रूर 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 लाइक करिएगा प्लीज़।